दिल्ली में विभिन्न स्थलों पर CAA NRC के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोग और गांधी शांति यात्रा लेकर पहुंचने वाला दल आज राजघाट जाएगा। इन सभी के मार्च के चलते राजघाट की ओर जाने वाली सड़कें आज बुरी तरह जाम हैं। कई रास्तों पर तो 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली की मुख्य सड़कों की जाम से हालत इतनी खराब है कि लोग 40-40 मिनट से एक ही जगह पर फंसे हुए हैं और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे। जिन सड़कों पर सबसे ज्यादा जाम है उनमें मथुरा रोड, विकास मार्ग, गीता कॉलोनी रोड, ITO, DDU, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, निजामुद्दीन प्रमुख है। जाम इतना ज्यादा है कि निजी वाहनों के साथ ही बसें भी यहां फंस गई हैं। ऐसे में बसों में सवार लोग उतरकर पैदल अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं। दरअसल आज राजघाट पर संविधान बचाओ प्रदर्शन है जिसमें कई संगठनों के लोग शामिल हो रहे हैं। CAA नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में महाराष्ट्र से गांधी शांति यात्रा लेकर निकले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आज दिल्ली के राजघाट पहुंचेंगे। इनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, NCP प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सुरेश मेहता, पूर्व सांसद व फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, महाराष्ट्र के पूर्व CM पृथ्वीराज चौहान समेत अन्य होंगे। मालूम हो कि गांधी शांति यात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होते हुए आज दिल्ली के राजघाट पहुंच रही है। इस यात्रा का मकसद केंद्र सरकार की मौजूदा नीतियों का विरोध करना होगा। नागरिकता संशोधन कानून 2019 को धार्मिक आधार दिए जाने, देश के संविधान का अपमान करने और NPR में जनगणना के बहाने सरकार की जानकारियां लेने की कोशिश के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाना होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।